हे दोस्तों, मैं हूं संजय और आज मैं आपके लिए लाया हूं इन्फिनिक्स नोट 4 के कैमरा सैंपल का ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि कैमरा के मामले में ये फ़ोन कैसा है। दोस्तों, कैमरा का रुख करने से पहले मैं इस फ़ोन का फिजिकल ओवरलुक दे देता हूं। वैसे मैंने इस फ़ोन का रिव्यू वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या वीडियो के इंड में वो दिख जाएगा, सो वहां पर आप देख सकते हैं। इस फ़ोन की बात करें तो इन्फिनिक्स नोट 4 5.7 इंच की फुल HD स्क्रीन के साथ आता है, जिसका रेशियो है 1080x1920 पिक्सल्स। इसकी स्क्रीन काफ़ी वाइब्रेंट है क्योंकि इसका PPI 387 पिक्सल्स है। लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है। टॉप पर 3.5mm जैक दिया हुआ है। राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स मिलेंगे। नीचे की तरफ एक प्राइमरी माइक, एक USB पोर्ट और एक मेन स्पीकर्स दिए हुए हैं। फ्रंट में ऊपर में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, साथ ही LED फ्लैश भी दी हुई है। सेकेंडरी स्पीकर दिया हुआ है और एक प्रॉक्सीमेट्री सेंसर दिया हुआ है। नीचे की तरफ 2 कैपेसिटिव टच बटन्स मिलेंगे जो कि बैकलिट नहीं है, और बीच में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया हुआ है ड्यूअल LED फ्लैश के साथ। दोनों ही कैमरे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है। बीच में इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिलेगी और नीचे लिखा है नोट। इसकी बॉडी यूनिबॉडी नहीं है, लेकिन दिखने में किसी प्रीमियम मोबाइल से कम नहीं है। ये तो रहा फ़ोन का फिजिकल ओवरलुक। अब चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में और देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। सबसे ऊपर में फ्लैश है, बीच में फिल्टर्स दिए हुए हैं जहां आप लाइव फिल्टर्स को सेलेक्ट कर इमेज खींच सकते हैं, और फिल्टर्स के बगल में कैमरा स्विच मोड दिया हुआ है। लेफ्ट से राइट स्वाइप करने पर ये ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे नॉर्मल मोड, प्रोफेशनल मोड, ब्यूटी मोड, नाइट मोड, पनोरमा मोड, PIP और वाइड सेल्फी मोड दिए हुए हैं। राइट से लेफ्ट स्वाइप करने पर कुछ और मोड्स मिलेंगे, जैसे HDR, गाइडलाइंस, लेवल, डिले कैप्चर, गेस्चर शॉट, स्माइल शॉट और टच कैप्चर। मोर में जाने पर आप अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। LED फ्लैश को वीक से स्ट्रॉन्ग पोजिशन पर रख सकते हैं। शटर साउंड है, इसमें आप इमेज को फुल स्क्रीन या 4:3 रेशियो में सेलेक्ट कर इमेज खींच सकते हैं। यहाँ पर इमेज साइज को भी बदल सकते हैं, और अदर ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब वीडियो मोड में चलते हैं और देखते हैं इसकी सेटिंग्स को। वीडियो मोड्स में भी आपको फिल्टर्स मिलेंगे, जहाँ आप किसी एक फिल्टर को सेलेक्ट कर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। राइट से लेफ्ट स्वाइप करने पर आप वीडियो रिजोल्यूशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम रिकॉर्डिंग रिजोल्यूशन 1080p है। लेफ्ट से राइट स्वाइप करने पर सिर्फ 2 ही ऑप्शंस मिलेंगे, एक वीडियो और दूसरा टाइम लैप्स इंटरवल का, यानी इसमें आपको स्लो मोशन मोड नहीं मिलेंगे। अब चलिए कैमरा का रुख करते हैं और कुछ इमेज खींचते हैं। ये देखिए, फोटो बिल्कुल नेचुरल आई है। पौधे की पत्तियां जैसी है वैसी ही दिख रही है, यानी इसका सेचुरेशन काफ़ी अच्छा है और नेचुरल है। आप प्रोफेशनल मोड में जाकर DSLR वाली इफेक्ट भी लाना चाहें तो ला सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से एक्सपोजर लेवल, ISO वगैरह को मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी चेंजिंग होगी वो लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा। ब्यूटी मोड में इस तरह से ब्यूटी इफेक्ट को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसमें वाइड सेल्फी मोड का एक इंटरेस्टिंग मोड मिलेगा, जिसमें आप एक बड़ी ग्रुप सेल्फी को भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ इमेज सैंपल्स देखते हैं।
अब चलिए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कैसी है वो दिखाता हूँ, वो भी चल के, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मूवमेंट होने पर इसमें कितना कंपन होता है। हालांकि इसमें कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें मुझे उतनी कंपन महसूस नहीं हो रही है। और इसकी क्लैरिटी कितनी है ये आप देख ही सकते हैं। अब मैं फ्रंट कैमरा के कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ। अब मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो कैसा बनता है और इसकी क्लैरिटी कैसी है। किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को बड़ी जल्दी ही फोकस कर लेती है, सो मुझे इसकी फोकसिंग स्पीड काफ़ी अच्छी लगी है। अब चलिए देखते हैं इसकी शटर स्पीड कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड ना ही फास्ट है और ना ही स्लो है। अच्छी बात यह है कि हैंग नहीं करती है शटर स्पीड चेक करते समय। तो दोस्तों ये था इन्फिनिक्स नोट 4 का कैमरा सैंपल, और सच कहूँ तो मुझे इसका कैमरा काफ़ी अच्छा लगा इस बजट कैटेगरी में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।